व्यवहार न्यायालय भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने के बाद शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोगों ने हजारों केसों को टेकअप किया है, साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस भिजवा कर उनके वाद को समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी केसेस हो रहे हैं वह छोटे मोटे मन के भेद के कारण हो रहे हैं। मन में छोटा सा अंतर हुआ और व्यक्तियों के बीच एक विवाद कायम हो जाता है। इंसान को मन में जो भी भेद हो उसे तुरंत समाप्त करना चाहिए ताकि वह भेद बाद में केस का रूप न ले, और यदि केस के रूप में वो तब्दील भी हो जाता है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें ताकि उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे। साथ ही डीएम ने कहा कि पंचायती राज सिस्टम में एक ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है, वहाँ सरपंच हैं, न्याय सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं। यदि छोटे मोटे वाद हैं तो ग्राम कचहरी में लाएं, यदि वहां वाद समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जुडिशियल सिस्टम पर केस का लोड कम होगा। इससे हमारे सभी बड़े न्यायिक पदाधिकारी गणों को बड़े केस के डिस्पोजल में सुविधा मिलेगी, वे उन सभी वादों में अच्छा समय दे पाएंगे और उनका निस्तारण बेहतर तरीके से हो पाएगा। उन्होंने आम जनता से पुनः अपील करते हुए कहा कि अपने मन के भेद को समाप्त करें और लोक अदालत में जितने भी सुलहनीय वाद हैं उसमें अपीयर हों और सुलह करें और खुश रहें, अपने पैसे को बचाएं, अपना रोजगार बढ़ाएं। देखिए, आज तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें हम लोग हजारों केसों को हम लोगों ने टेकअप किया है, लोगों को नोटिस भिजवाया है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ, दो व्यक्तियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो गया। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो, और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें ताकि वो केस समाप्त हो, उनका वो सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे, और बड़ी बात उनकी राशि बचे। क्योंकि यदि कोर्ट में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, वकील साहब हैं उनको पे करना है, उनका आने जाने का वो भाड़ा लगता है, उसके बाद उनकी मजदूरी समाप्त होती है, ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हजारों रुपए हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं हम पूरी जनता से अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें। दूसरा, ये सरकार की व्यवस्था है पंचायती राज सिस्टम में कि ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ सरपंच हैं, न्याय सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं, वो व्यवस्था है। यदि छोटे मोटे वाद है तो उस ग्राम कचहरी में लाएं ताकि वहाँ वादों यदि वाद समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पे केस लोड कम होगा, तो हमारे जितने भी न्यायिक प्राधिकारीगण हैं उन्हें जो बड़े केस हैं उनके डिस्पोजल में उनको सुविधा मिलेगी, वो अच्छा समय दे पाएंगे और उनका निस्तारण बेहतर तरीके से होगा। तो मामले को सुलह से और समझौते के आधार पर निपटाने की प्रेरणा मिलेगी, जन जन तक इसका प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक रूप से। कुल कितने लोगों के लिए लक्ष्य रखा गया है कि मामले की सुनवाई इस लोक अदालत में होनी चाहिए? देखिए, हम लोगों ने करीब 8,000 वादों में करीब 30-35,000 लोगों को नोटिस इशू किया, 8,000 केसेज को हम लोग टारगेट किए हैं। अब अधिकतम प्रयास हो रहा है इसमें से कितने केसेज जो है वो सुलह के आधार पर निपट सकते हैं, ये आगे देखना। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने शनिवार को भागलपुर अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 23-24 में 232,500 पौधे लगाए जाने की बात कही। मंत्री ने गरुड़ संरक्षण केंद्र को लेकर कहा कि विश्वभर में 1,360 गरुड़ हैं, जबकि भागलपुर में 600 से अधिक गरुड़ मौजूद हैं। यहां पूरी दुनिया का 50% गरुड़ संरक्षित है, जो सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। मंत्री प्रेम कुमार ने भागलपुर गंगई डॉल्फिन कछुआ पुनर्वास केंद्र, जलवायु परिवर्तन एवं 20 एकड़ में नक्षत्र वन औषधि उद्यान का निर्माण प्रस्तावित होने के अलावा कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि भागलपुर वन प्रमंडल में आने वाले दिनों में 3,00,000 पौधारोपण करने और डॉल्फिन के लिए इको टूरिज्म की सुविधा को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि वाइल्ड लाइफ पाठशाला, कदवा दियारा क्षेत्र में कदम कदम पर कदम योजना, गरुड़ संरक्षण प्रजनन केंद्र, कृषि वानिकी योजना समेत कई योजनाओं के तहत अभी और भी कार्य किया जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि रविवार को राज्य भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी को जागरूक करने के लिए गोष्ठी भी आयोजित की जा रही है।
जिससे सरकार और आम लोगों के सामूहिक प्रयास से पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु परिवर्तन और कृषि के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड से अलग होने के बाद बिहार का वन क्षेत्र 7% था, लेकिन सुशील कुमार मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्यों के कारण आज 14% वन क्षेत्र हो गया है। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक की जा रही है और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय सामूहिक सहमति से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एवं संसदीय बोर्ड करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार समेत भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। योजना में 30,000 पॉपुलर पौधे किसानों को निजी रूप में लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। वन जीव चिकित्सा संरक्षण केंद्र भागलपुर स्वास्थ्य क्षेत्रों में घायल जब वन प्राणियों की चिकित्सा हेतु केंद्र का निर्माण किया करने का प्रस्ताव है। हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं हम लोगों के बीच में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्थानीय संचार के माध्यम से, और संडे को एक गोष्ठी सेमिनार होने जा रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में हम सबको जागरूक करने का अभियान के तहत एक सेमिनार किया जाएगा पूरे राज्य के अपने जिलों में, ताकि आने वाले समय में चाहते हैं कि जो पर्यावरण और वन हमारा है, झारखंड बंटवारे के बाद हमारा जो औसत था मात्र 7% था, लेकिन सरकार के पहल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार, उस समय हमारे मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के पहल पर 7 से आज हम बढ़ करके 14.25 पर आ गए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में अजगैवीनाथ युवा मंच के सदस्यों द्वारा भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं अजगैवीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया गया। इस दौरान अजगैवीनाथ युवा मंच के सदस्यों ने राजकुमार गुड्डू, महंत प्रेमानंद गिरी महाराज सहित मुंबई एवं कलकत्ता से आए कलाकारों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जागरण में मुंबई व कलकत्ता से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी, जिसका शिव भक्तों ने रात भर आनंद उठाया। मौके पर वार्ड पार्षद विभूति यादव, नवीन कुमार बन्नी, सुबोध यादव सहित अजगैवीनाथ युवा मंच के अन्य सदस्य मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर नगर परिषद सुल्तानगंज के सामान्य कक्ष के सभागार में आम बजट को लेकर शनिवार को नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, उपसभापति नीलम देवी सहित सभी वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान आम बजट 2024-25 पारित करते हुए आमदनी खर्च का ब्यौरा के बारे में विस्तार से बताई गई। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव एवं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए मीडिया को बताया कि बैंक में कुल राशि 3,32,66,221 रुपए प्रारंभिक शेष के रूप में उपलब्ध है, जिसमें इनकम ब्यौरा 24-25 में
1,09,76,65,620 रुपए और कुल अनुमानित प्राप्ति 1,13,09,31,841 रुपए व 24-25 में अनुमानित खर्च 1,12,76,48,100 रुपए होगा। इसके अलावा शेष राशि 32,83,741 रुपए रहने की संभावना जताई गई। इस दौरान वार्ड पार्षद विनोद रजक, संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, पंकज यादव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। नागरिक विकास समिति की आम सभा का आयोजन देवीबाबू धर्मशाला में 10 मार्च को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। आम सभा के चुनाव प्रभारी अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि आम सभा में अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में मतदान से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष जियाउर रहमान ने बताया कि आम सभा में संगठन सचिव आनंद श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर राय, सद्भावना संयोजक प्रोफेसर रोज, मेडिकल कैंप के संयोजक विनोद ढंडनिया और भागलपुर महोत्सव एवं सांस्कृतिक संयोजक नरेश शाह अपना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। बांका के धौरैया प्रखंड में महाशिवरात्रि को लेकर पूजा अर्चना हेतु विभिन्न शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। खासकर सुप्रसिद्ध धनकुंड नाथ मंदिर परिसर में काफी संख्या में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वहीं भूमफोड़ नाथ महादेव, कुसमी, पटवा, बेली, जयपुर, बेलडीहा, कचराती, कुरमा, तेवाचक, उचडीहा, अरिहो, बटसार आदि शिवालयों में भी पूजा अर्चना के लिए महादेव के भक्त दिन भर पहुँचते रहे। इस दौरान शिव पार्वती विवाह उत्सव को लेकर शिवालयों को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया और देर शाम से विवाह की प्रक्रिया शुरू कर काफी उत्साह के माहौल में गाजे बाजे के साथ शिव जी की बारात निकाली गई। बारात में भगवान शिव एवं माता पार्वती के अलावा भूत, पिशाच एवं बैताल की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही और श्रद्धालु हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहे। शिवरात्रि को लेकर कई शिवालयों में अखंड संकीर्तन भी प्रारंभ हो गया। वहीं धनकुंड नाथ मंदिर परिसर में कई दिनों तक लगने वाले मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक भूदेव चौधरी ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनकुंड नाथ मंदिर की प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक फैली हुई है। बाबा के दरबार में पहुंचकर जो सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, बाबा उनकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में महादेव के भक्त मौजूद। महाशिवरात्रि के अवसर पर ग्राम पंचायत अमडंडा के श्रीमतपुर गांव में 2 दिवसीय दंगल का विशाल आयोजन किया गया। दंगल का उद्घाटन पंचायत के पूर्व मुखिया एवं पैक्स अध्यक्ष भवेश कुमार मंडल, डॉक्टर श्रीकांत मंडल, डॉक्टर रंजीत कुमार, अरविंद कुमार मंडल, विलास मंडल, रामदेव मंडल, नरेश मंडल, योगेंद्र दास सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। दंगल के पहले दिन बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब सहित अन्य राज्यों से आए कुल 58 जोड़ी पहलवानों ने अपना अपना दाव आजमाया। दंगल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के कबीर व गोसाईदासपुर के रितेश पहलवान का जलवा रहा। बता दें कि दंगल का फाइनल मुकाबला रविवार को होगा, जिसमें प्रथम विजेता को 10,000 रुपए, द्वितीय विजेता को 7,500 एवं तृतीय विजेता को 5,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान दंगल देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर मोदीपुर मोड़ के समीप ऑटो ट्रॉली और वोल्वो बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो ट्रॉली के फरकच्चे उड़ गए, जिसमें ऑटो ट्रॉली का ड्राइवर सहित 2 अन्य लोग जख्मी हो गए। जख्मी युवक की पहचान कजरेली थाना क्षेत्र निवासी बिंदेश्वरी पासवान के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और थाना के चौकीदार की मदद से घायलों को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि अमरपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार वोल्वो बस भागलपुर की ओर जा रही थी। कौन सी गाड़ी थी? ठोकने वाले नहीं देखे, हम सामने बैठे हुए थे, पूरा गेट लगा हुआ था। आप लोग कहाँ पे बैठे हुए थे? सामने कहाँ से बैठे थे?